आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश थस्माना। उत्तराखंड का चुनावी रण, मतदान हो चुका है। अब सभी की नजरें हैं 10 मार्च पर, जब ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में आखिरकार कौन राज करने जा रहा है। क्या बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस एक बड़ा उलटफेर करते हुए अगले 5 सालों के लिए उत्तराखंड में राज करने जा रही है। बात करेंगे कांग्रेस के एक ऐसे कद्दावर नेता से जो कि रायपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, हीरा सिंह बिष्ट जी। जनता अपना जनादेश सुना चुकी है, ऐसे में वोटिंग प्रतिशत और 10 मार्च को क्या तस्वीर रहने वाली है उत्तराखंड की, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हीरा सिंह बिष्ट जी आपका जय भारत टीवी। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न, जनादेश सुना चुकी है उत्तराखंड की जनता, 10 मार्च की ओर सभी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है इस बार, क्या उत्तराखंड में एक बदलाव होने जा रहा है? मन में कुछ नहीं, मेरे को अलग नहीं चला, जनता के मन में, जनता तो बिल्कुल सुनिश्चित कर चुकी है कि बदलाव हो रहा है। और भाजपा से तरफ हताश निराशा में डूबी जनता ने परिवर्तन का मन बनाया, उसमें उत्तराखंड में कांग्रेस लगभग 50 के बीच में सीटें ला रही है और भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ये चुनाव महंगाई के विरुद्ध है, ये चुनाव बेरोजगारी के विरुद्ध है, ये चुनाव हमारे जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, पलायन है, हमारे महिला सशक्तिकरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिस भ्रष्टाचार में केवल कोरोना महामारी में हजारों करोड़ की दवा का घोटाला हरिद्वार में निकला, जिसको बीजेपी दबाना चाह रही, जिस भ्रष्टाचार में हमारा 300 करोड़ का कर्मकार बोर्ड का जो मजदूरों को साइकिल मशीनें जो सुविधाएं मिलती हैं उनको डकारने का मामला है, उस भ्रष्टाचार में जो NH-74 के घोटाले को दबाने का प्रयास हजारों करोड़ के किया जा रहा है, तो सारे चारों तरफ घोटाले घोटाले, विकास का कोई काम प्रदेश में बीजेपी सरकार बता नहीं सकती, गिना नहीं सकती कि कोई बड़ा काम। मैं तो चुनौती देकर कह रहा हूँ, आप 5 साल मिले, 5 साल में तो 4-5 अस्पताल बन जाते, जो कोरोना महामारी में दुर्दशा प्रदेश की हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज जली लाशें छोड़ दी गई हों, डीजल पेट्रोल से लड़ाई हो। लक्खीबाग से एक दिन सुनकर बहुत तकलीफ है कि जिस दिन पता लगा 3-4 डेड बॉडी इसलिए वापस कर दी गई, लकड़ी ख़त्म हो गई है। हरिद्वार में गंगा जी में डेड बॉडी में लाशें तैरती मिली। तो जिस प्रदेश को हम देवभूमि कहते हैं, वीरों की भूमि कहते हैं, जो है आस्था का प्रतीक है हमारे, जब उस प्रदेश में ये, तो आखिर सेंटर का, स्टेट गवर्नमेंट का विकास का पैसा कहाँ जा रहा है? कोई आपने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, कोई आपने काम जो हमारे शेड्यूल के रोज़गार देने के तिवाड़ी के टाइम पर बना था शेड्यूल, वो शीर्षक रहा है? आप किसी क्षेत्र में तो बता दें कि हमने रोज़गार के लिए किया, कर्मचारियों के आपने पेंशन बंद कर दी, उसको बहाल नहीं किया और उनका प्रमोशन रोक दिया, 35-40 हज़ार उपनल कर्मचारी जो हाई कोर्ट ने कहा कि समान कार्य समान वेतन, तो अगर नियमितीकरण करने में तकनीकी कुछ दिक्कतें आ रही तो इनको समान कार्य समान वेतन दो। पहली सरकार है उत्तराखंड की बीजेपी की जो सुप्रीम कोर्ट चली गई, नहीं हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। अरे हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे हाथ पैर है कर्मचारी, तुम उनकी तनख्वाह रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए? कोई सरकार शायद ही कभी इतिहास में ऐसा करेगी। तो इस सरकार को किस क्षेत्र में, आप लोग उत्पीड़न के मामले में, शोषण के मामले में, मैं नहीं समझता कि कहीं पुलिस के परिवार सड़कों पर हजारों की संख्या में महिला बच्चों को ले लेकर के अपनी 600 ग्रेड पे का आंदोलन करें, सरकार तब भी नहीं, हाँ मेरे पास आ जाओ। उपनगर कर्मचारी ने 3 महीने धरना, सारे मंत्री चले गए, मुख्यमंत्री ने बुलाया हम करेंगे। अरे जब आप कुछ नहीं निर्णय कर सकते, जब आपका विजन ही नहीं, सोच ही नहीं है, ना समाधान चाहते हो, तो हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर लेते, समान कार्य समान बेहतर नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मुझे पता, गन्ने का भुगतान आपका नहीं हो रहा, रोजगार आपने छीन लिए, 3.5 लाख तिवाड़ी टैंप लगे तो वो कंपनियाँ भाग गई, पलायन हो गई। मैंने खुद पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि चूंकि आपकी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में आपकी, राज्य में आपकी, तो आप 3 कंसेशन तिवाड़ी जी ने लिए थे कंपनियों के लिए, जिससे कंपनियाँ विदेश बाहर से यहाँ आई थी, वो था इनकम टैक्स में छूट, सेल टैक्स में एक्साइज। तिवाड़ी जी ने 3 कंसेशन भारत सरकार से प्रधानमंत्री से लिए थे, इसलिए सारी कंपनी नॉर्थ इंडिया की, ज़्यादातर उत्तराखंड में ही, लोगों को रोज़गार मिला, हमने उन ज़मीनें दी, उनके नाम रजिस्ट्री की, पानी बिजली फ्री दिया और ज़मीनें दी उनको अलॉट करके। जैसे हमारे देहरादून में लाल तप्पड़ था, सिला कोई था, मैंने IT पार्क की स्थापना उसी सिलसिले में 6,000 रुपये, 2,500 बच्चों को, 2,500 बच्चों को नौकरी मिली। हमारे शेड्यूल हरिद्वार में था, जहाँ 3.5 लाख लोगों पहले 5 साल नौकरी मिली।
वो सुविधा नहीं दी उन्होंने, क्योंकि ये केवल वहाँ नमस्ते करने दिल्ली जाते थे, कोई योजना पे डिस्कस नहीं करना, कोई काम नहीं करना। एक बड़ा काम ये कर दिया इन्होंने कि जो हमारे यहाँ तिवाड़ी के टाइम पर व्यवस्था थी, बाहर से कोई व्यक्ति आएगा मकान बनाने को, ज़मीन 200-250 वर्ग मीटर दे देंगे, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं देंगे। इन्हें उस दरवाजे को साउथ एशिया की इन्वेस्टमेंट कंपनी बुलाया, उनके लिए खोल दी, वो माफियाओं के दरवाजे खोल दे, आओ पहाड़ का लुटो या अट्टालिकाएँ बनाओ। और वो होना है फ्यूचर में, 15-20 साल आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे रहे, हम कंक्रीट के जंगल में उत्तराखंड को बदलने के लिए ये भू अध्यादेश जिसकी डिमांड हो रही, जो बनाया था उसको खोल दिया। और जो आज 4 डिफेंस के कारखाने प्राइवेट कंपनी से छाटने वाले निकाल रहे, भर्ती नहीं कर रहे, सर्वे ऑफ इंडिया किए, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है FRI की है, यहाँ सब कंक्रीट के जंगल बने होंगे, भविष्य में अडानी अंबानी का अट्टालिकाएँ बनी होंगी, जो रोज़गार देते, जीविका थी, जो हमारे प्रदेश में देश की गरिमा कहते थे, जिनको हर साल जहाँ 4-5 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता था। तो इन शानों को आप भेज दें, FRI एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी दुर्दशा हो रही। तो मैं BJP ये तो बताया किया क्या, वो बस रेलवे लाइन का जिक्र करते जिसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री ने किया था ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, उसका उल्लेख के अलावा चार धाम यात्रा में पीढ़ी उत्पीड़न किया, जब कांग्रेस ने आंदोलन किया था विड्रॉ किया, आपने रोजगार छीनने का काम किए। तो उपलब्धि तो आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई ट्यूबवेल बता दें, कोई नहरें बता दें, अस्पताल तो क्या बताएंगे। मैंने हर ज़िले में ITI पॉलिटेक्निक खोले सब जगह, क्योंकि सर्टिफिकेट से रोज़गार बच्चों को मिला, कहीं भी जाएंगे उसके हाथ में डिग्री डिप्लोमा हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं संभाल पाए, 5 साल बातें करने, मुख्यमंत्री बदलने बिताए, तो जनता महंगाई कहाँ है, कोई कदम तो उठाते, कोई तो राहत देते उनको आप लोग, कहाँ कड़वा तेल जा रहा, कहाँ डीजल जा रहा, कहाँ रसोई गैस जा रही, 500 से 1000 का गैस सिलेंडर हो रहा, तो ना तो रोज़गार दिया, ना महंगाई कंट्रोल हुई, ना पहाड़ों से प्लान का, प्लान तभी रुकेगा कि जब हम अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, परिवहन व्यवस्थाएँ करेंगे, विकास के चौमों के विकास को ध्यान आवंटन करेंगे। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। एक उदाहरण मैं दूंगा, मैंने अपने क्षेत्र में तौबर नाला पानी पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय बनाया, CBSE पैटर्न पर वो 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा होता, मैंने एक जीत करके चीफ सेक्रेटरी, बहुत विवाद हुआ अंतोगत्ता में, उसमें स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क हम रखेंगे, पहला निःशुल्क हुआ 6ठी से 12वीं तक, अच्छा स्कूल चल रहा है। तो ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री तिवारी जी को दिया, तिवारी ने भी उसको कहा कि ठीक है, सब जिलों में ये राजीव गांधी नव विद्यालय इस तरह से निःशुल्क शिक्षा का CBSE पैटर्न, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए देहरादून प्लान करते हैं, वहाँ रुकेंगे, उसके साथ हम उनके हॉस्टल की व्यवस्था करें, वहाँ चिकित्सा की सुविधाएँ उनको दें। तो प्लान क्यों करेगा आदमी, नौकरी के लिए करता है, इसके लिए शिक्षा के लिए बच्चों को करता है, तो उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं। हम वहाँ लोगों को स्वरोजगार दें, उनकी उपज का मूल्य उन्हें दें, मंडी तक ले जाने का सुविधा शुल्क उनको दें, तो उस दिशा में सहायता समूह बहुत है, पहाड़ों में, गढ़वाल में, उत्तराखंड में, हमारे कुमाऊं में, उनको महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए उनको ब्याज रहित ऋण की कुछ व्यवस्था करें, वो कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। मैं तो ये इस राज्य में कुछ आगे बढ़ाना कुछ नहीं, सब ने टाइम काटा अपने। हाँ, पलायन आयोग जिस तरीके से बनाया गया उससे आप क्या कहेंगे? पलायन आयोग तो इसीलिए बनाया गया कि पलायन को रोका जाए, उस स्थिति को छोड़ा जाए कि आखिरकार पलायन क्यों हो रहा है, उन मुख्य बिंदुओं पर कार्य किया जाए। तो पलायन आयोग क्या बिल्कुल पूरी तरह से फेल साबित होता है आपकी नज़र में? मैं कहता हूँ पलायन आयोग आयवाश है, 100% है। हम उत्तराखंड में रहते हम नहीं जानते क्या पलायन क्यों हो रहा, आयोग की बनाने की क्या जरूरत है। मैंने बेसिक चीज़ें कहा ना कि माँ बाप बच्चों की शिक्षा चाहते हैं, उनके रोजगार चाहते हैं, अच्छी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएँ चाहते हैं, तो वो करो, आवश्यकता अब एजुकेशन सिस्टम को वहाँ चेंज करो, राजीव गांधी नव विद्यालय बनाओ। तो वो नहीं कर पाया आपने, इस तरह के जो CBSE पैटर्न पर स्कूल खोलते, वो तो आयोग बनाया कहाँ गया, आयोग साउथ एशिया आपने 100 करोड़ रुपये खर्च किए, उसी साउथ एशिया का जो इन्वेस्टमेंट हुआ प्लान है उसी में तो आपने ये दरवाजे खोल दिए माफियाओं के लिए कि वो सेलिंग हटा दी जमीन की, जितनी चाहे खरीदो, लूटो, कुछ ही करो, कंक्रीट जंगल बदलो, जंगल काटो, ये BJP ने किया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, चिंता का विषय और गंभीर चिंता का विषय कि हमारा राज्य बना, लोगों ने कुर्बानी दी, बलिदानी दी, हम उसकी इच्छा के अनुरूप राज्य को नहीं बना पा रहे, करप्शन यहाँ चरम सीमा पर है। जब मुख्यमंत्री का कार्यालय धामी साहब का अवैध खनन के पकड़े गए ट्रकों को चिट्ठी लिखकर छुड़वाता हूँ, ये नहीं कि फ़ोन किया होगा तो मुकर भी, अब क्या प्रमाण है उसका कि इन ट्रकों को छोड़ दिया जाए? अवैध खनन का काम, गंगा, जमुना, हमारे जितने भी नदी हैं सब बड़ी बड़ी, सब में अवैध खनन हो रहा, इन्वॉल्वमेंट है इसमें खनन और शराब। जब नेशनल हाईवेज को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डर दे, नेशनल हाईवे पर शराब की दुकान नहीं होगी,
ठीक है, उससे घटनाएं दुर्घटना घटती है। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा, कितना दिमाग चलता अधिकारियों का और हमारे बीजेपी के नेताओं का, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रोड्स में कन्वर्ट कर दिया और शराब की दुकानें खुलवा दी। ये बड़ा अच्छा काम किया आपने। इतना दिमाग आपका विकास के लिए चलता है, रोजगार के लिए चलता है, पलायन रोकने को चलता है, स्वास्थ्य सेवा का है जो हमारी संपदा है उत्तराखंड के इस धरोहर को बचाने को होता है, लेकिन उस तरफ कुछ नहीं है ना। मैं तो कह रहा कहीं कोई एक आईटीआई बता दे, एक पर्यटक नहीं बता दे। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 5 साल से बुनियादी भरी जा रही, कभी हरिद्वार की बता दे, कभी हल्द्वानी की बता देगा। तो हमारे टाइम भी हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज बना, हर जिले में आईटीआई पॉलिटेक्निक है। जो मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जहाँ पर छोड़ता एक रेगुलर रजिस्ट्रार आज तक नहीं आया, वीसी आज तक नहीं आया, वहाँ क्लर्क बैठा रखे वाइस चांसलर वो चलाएगा, रजिस्ट्रार बड़े दुर्गति है। मुझे इस बात को बहुत शर्म आती है। हमने ज़मीन भी दी, बिल्डिंग बनाई कि हमारी यूनिवर्सिटी होगी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी, गरिमा से जहाँ पर रोज़गार मिलेगा, लेकिन नहीं आगे बढ़ा। किसी ने सोचा भी नहीं, किसी का विजन भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता बीजेपी क्यों वोट देगा कोई। मैं तो चुनौती देकर कर रहा, कोई उपलब्धि बता दे, लेकिन उपलब्धियाँ भ्रष्टाचार के, रेत खनन, ये सारे रहे। कुछ भी कहने को आप कुछ भी कह दे, लेकिन कुछ नहीं है। अभी 1600 घोषणाएं मुख्यमंत्री धामी जी ने की चुनाव के टाइम पर, एक भी धरातल पर उतनी। जियो भी शायद 50-60 कोई हो गया, लेकिन धरातल पर उतने लायक ही नहीं है, केवल चुनावी घोषणाएं थी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 के मतदान प्रतिशत की बात करें तो वही मतदान प्रतिशत, उसमें थोड़ा सा प्रतिशत कम रहा है, लेकिन 2017 में हमने देखा था एक क्लीन स्वीप जो है उत्तराखंड में हुआ था, एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिली थी। इस बार भी उसी के आसपास मतदान हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार 2022 में जो करिश्मा बीजेपी ने उस वक्त किया था वो इस वक्त कांग्रेस करने जा रही? बीजेपी ने करिश्मा नहीं किया था उस समय, लोगों ने सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश का, उसकी लफारेबाजी में आ गए थे, समझेगा मोदी आ गया, पता नहीं मोदी क्या गंगा बहा देगा, विकास की गंगा, सबके घरों को भर देगा, रोजगार मिल जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएंगे। उस मोदी ने जिसने 700-800 किसानों की जान ले ली दिल्ली के बॉर्डर पर, वह उनसे बात करना नागवारा समझा उसने। अरे हमारे किसान हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हमारे अन्नदाता हैं, तुम पाकिस्तान के राष्ट्रपति की पैर छूने जा सकते हो माँ के, बिना प्लान के तुम चीन के राष्ट्रपति साथ झूला झूल सकते हो, अमेरिका में जाकर ट्रंप जिंदाबाद कर सकते हो चुनाव में आप, लेकिन अपने देश के किसानों से, अन्नदाताओं से, अपने देश के मजदूरों से 4 काले कानून मजदूरों के लाए आप, गला घोटना काम किया, यूनियन बनाने का अधिकार छीन लिया, मैनेजमेंट की मर्जी के बिना से आप हड़ताल पर नहीं करेंगे, ऐसे किसानों को मार दिया आपने। अब जब किसान मजदूर गाड़ी के दोपहिए हैं देश के, जब इनको आपने ख़त्म करने का किया, तो जनता ने अब समझा कि मोदी के झूठे वादे थे, उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया, लफारेबाजी केवल की, केवल केदार घाटी गुफा में बैठकर आप फोटो मैसेज भेज रहे। अरे व्यक्तिगत जीवन है, आप धार्मिक स्थान पर जा रहे तो जाएँ, लेकिन मीडिया को जहाँ अलाउ नहीं वहाँ जाकर देश को कहो मैं बड़ा शिव भक्त हूँ इसलिए वोट दे दो। आज तक किया नहीं कुछ ने। मैंने कहा ना 4 बड़े डिफेंस के कारखाने हमारे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, IRD, डील, OLF, 4, यहाँ हजारों लोग रोजगार करते हैं, रोजगार मिलता है। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, हम हर सीट की बात कर रहे हैं, हॉट सीट जो बनी हुई है, जहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, उन्हीं में से एक सीट आपकी भी है रायपुर, जहाँ से आपके समक्ष उमेश शर्मा का मैदान में है, आप आम आदमी पार्टी से भी हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो जनादेश कांग्रेस को मिलने जा रहा है रायपुर सीट की अगर हम बात करें तो? रायपुर सीट में जनता का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर विकास के लिए वोट दिया है। लोगों ने तुलना की, 10 साल एक विधायक का टाइम बहुत होता है। मुझे भी टाइम मिला जब मैं यूपी में विधायक बना 85 में, तो मैंने उस समय परखा कि विधायक की ताकत क्या होती है। चूँकि मुझे बीरबहादुर सिंह से, उस समय मैंने विकासखंड रायपुर डोईवाला में होता था, एक विकासखंड बहुत दूर तक जाना पड़ता था, मसूरी के गाँव में वहीं जाते थे, उस विकासखंड के 2 हिस्से करके रायपुर विकासखंड की स्थापना की। मुझे लगा विधायक की ताकत है, फिर रायपुर जो भव्य स्टेडियम है, जहाँ हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, वो सैकड़ों बीघा जमीन, एकड़ जमीन मैंने बचाई है स्पोर्ट्स कॉलेज के नाम पर, स्टेडियम के नाम पर, वो बीरबहादुर सिंह से मैंने अलॉट कराई थी, तब वो बची थी, तब आज में आज हमारे सारे चुनाव काम हो, दूसरे काम हो, वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, स्टेडियम भी है, सैकड़ों एकड़ जमीन दूसरे तो बसा देते। मैं तो उदाहरण दूंगा ना, सैकड़ों एकड़ जमीन बेची है लोगों ने पट्टे के नाम पर, फर्जी पट्टे SDM के प्रधानों के दस्तखत करके वो काम किया, तो जनता ने विकास को, मैंने अपने यहाँ थोड़े से समय, अगर आज गुजरात में IT है, आमवाला में पॉलिटेक्निक है, राजीव गांधी नवोदय तपोवन में है, या छठी भारत निःशुल्क शिक्षा है, हेल्थ की डायरेक्टरेट वहाँ पर है,
आम वाला में एजुकेशन की डायरेक्टरेट वहाँ पर है, पीआरडी का ऑफिस वहाँ से, एनसीसी वहाँ पर है, थाने को ज़मीन अलॉट करी, वहाँ पर मंदिर ही बना है जो देहरादून में बिंदा रिस्पन है, उस समय के पुस्ते हैं ये, और पुल भी 6-7 जो बनाए गांव और शहर को जोड़ने के, ये मैंने विधायक नहीं 300 करोड़ के उससे बनाए थे, और इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम, मलिन बस्ती के सड़कें, पानी, बिजली, पुस्ते, बाढ़ सुरक्षा गारंटी की थी। तो मुझे तब पता था कि विधायक में कितनी ताकत होती, मतलब सिंपल विधायक था ना ये, तो आईटीआई पॉलिटेक्निक जब मैं यहाँ तिवारी साहब मंत्री बना तब करे, बाकी काम आईटी पार्क बना जहाँ 2,500 लोगों नौकरी की व्यवस्था की गई, वो ज़मीन मैंने प्रधानों की सहमति से बैठकर बड़ी एक्सरसाइज पर्सनली करनी पड़ी। अगर मैंने पौड़ी का इंजन किया, मुझे 3 बार वहाँ डीएम को समझाने जाना, आरम कलम कर रहा ज़मीन के लिए, मैं 3 बार मंत्रियों के गया, मुझे पीड़ा थी, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज बना, द्वाराट का इंजीनियरिंग कॉलेज बना, हर जिले में आईटीआई पॉलिटेक्निक है। अरे तो आज यहाँ से बच्चे पढ़कर शिक्षा सर्टिफिकेट लेके कहीं जॉब तो कर रहे, जो भी मिल जाए उनको, तो मैं तो ये समझा विधायक का लोगों ने कंपेरिजन किया कि इतने काम यहाँ पर जो भी है विकास की, ये एक चिन्ह बताया, सड़क नाले तो गांव के पंचायत बनाती है, वो एक पार्षद बनाता है, नगर निगम भी बनाता है, ब्लॉक भी बनाता है। अब आप ये बताएं ना, जो ज़मीनें अवैध कब्जा करके बेचने के अलावा दूसरा विकास का काम मुझे बता दो। मैंने बचा दी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें जिसमें आज हम फख्र से कहते हैं हमारा निदेशालय कहाँ है कि हेल्थ का निदेशक डांडा, शिक्षा कहाँ है कि हम वाला तरला, हमारा राजीव गांधी नवोदय तब वन नाला पानी में, तो हम ये कह सकते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ रायपुर में है, हमारा वहीं हमने अस्पताल बनाए, तो लोग विकास चाहते हो, कंपेरिजन किया लोगों ने, ये 10 साल बहुत होते हैं विधायक के लिए अगर कोई काम करे, केवल बहकादे गरीब लोगों को, बस्ती लोग मुझे नहीं वोट दोगे तुम उजाड़ देंगे, तो ये कुछ नहीं आ रहे। मैंने तो 60 बालीन बस्तियों में बाढ़ सुरक्षा काम किया, जो बिंदाल और रिस्पना किनारे चारों तरफ हैं, तो उससे बड़ा उदाहरण क्या दूँ मैं, लेकिन काम करने का शौक था, जुनून था, गरीबों के हितों की, किसानों के हितों की रक्षा करना हमारा काम था। एक छोटे से ज़मीन खेल के मैदान की डांडा लखौंड में राजीव गांधी खेल मैदान, वो भी बचाया मैंने, लोगों से रिक्वेस्ट करी वहाँ पर कि खेल के बच्चों खेल के, जितने पार्क जितने कॉलोनियाँ कटी हैं उसमें सब में मैंने पार्क छुड़वाए थे, उन्हीं के काम आएंगे। तो कुछ विजन होना चाहिए, लोगों ने विजन की बात देखी, ईमानदारी की बात देखी, केवल जो व्यक्ति पार्टी से ऊपर अपने को समझे, चाहे वो कांग्रेस का हो बीजेपी का, वो अस्थायित्व अस्तित्व विकास नहीं कर सकता। तो यही स्थिति वहाँ रही, यहाँ भी वही रही, तो लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर अच्छा बुरा और विकास को देखा है। कर्मचारी हितों के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ, ये पेंशन डिमांड तो हम बहुत पहले से कर रहे, धरने प्रदर्शन हमारे होते थे, जितने हम लेफ्ट के साथी थे सबके साथ हम करते रहे, चाहे ग्रेड पे का जो हिसाब रखा है, एक कर्मचारी अगर छोटा बाबू बना तो वो क्यों काम करेगा अगर उससे प्रमोशन नहीं आप रोगे, कल वो सोचता मैं अधिकारी बना, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो वो अधिकार आपने छीन लिया उसको, केवल बाबू कलम घिस रिटायर हो जाए, ये बीजेपी ने किया, प्रमोशन नहीं रोक दिया आपने, बुढ़ापे का सारा रोक दी, पेंशन क्यों क्यों लोग वोट देंगे, पुलिस के बच्चे सड़कों पर हैं, क्या करना चाह रहे आप लोग, मैं नहीं समझ पा रहा। कांग्रेस का संकल्प और इसी संकल्प के साथ जनता ने जो है उन्हें वोट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हीरा सिंह जी आपका जय भारत टीवी से बातचीत करने का। माना जी आपके धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हीरा सिंह बिज जी जो ये कहते हुए कि 10 मार्च करीब है और जैसे जैसे 10 मार्च करीब आ रही है उन्हें विश्वास हो चला है कि इस बार जो है एक बड़ा जनादेश जनता देने जा रही है और इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो क्या होता है 10 मार्च को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, और ये अपडेट जानने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह की चर्चाएँ आप तक तुरंत पहुँच सकें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।